खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चुनावी नतीजों की चल रही है उल्टी गिनती। नतीजों से पहले हर तरफ ईवीएम पर हलचल। ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल को लेकर कई शहरों में बवाल। एग्जिट पोल के बाद विरोधियों का ईवीएम के खिलाफ मोर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक नहीं पांच पोलिंग बूथ का वीवीपैट से मैच होगा। अगर वो मैच में कुछ गड़बड़ निकला तो क्या करेगी इलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर स्पष्टता नहीं है। एक भी पोलिंग बूथ के अंदर ये मिसमैच मिला तो पूरे असेंबली सेगमेंट, उस असेंबली सेगमेंट के वीवीपैट को गिनना चाहिए, ना कि मशीन के नंबर। ये है मुद्दा। पूरे सोशल मीडिया में ईवीएम का एक नया घोटाला सामने आ रहा है। कितना सही है कितना सही नहीं है वो 23 तारीख को सामने आएगा। पोल कहीं किसी गेम प्लान का तो हिस्सा नहीं है, क्योंकि आज पूरे देश में ईवीएम बदले जाने की खबरें आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन गया है। मैं तो कहता हूं चुनाव आयोग को अपना दफ्तर बीजेपी कार्यालय में शिफ्ट कर लेना चाहिए। बीजेपी बोली, हार के डर से हो रहा है ईवीएम। ईवीएम गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है विपक्ष, पूरे भारत के लोकतंत्र पर उंगली उठा रहा है विपक्ष। जब आपने मांग की कि वीवीपैट भी होना चाहिए, हर वोटर को वोट डालते वक्त में अपना वोट दिख गया है, वोटर को भरोसा है, देश को भरोसा है, लेकिन इन चुनाव लड़ने वाली जो विपक्ष की पार्टियां हैं इनको खुद पर भरोसा नहीं। ईवीएम पर सवाल बोगस है। ईवीएम के आने के बाद ही चुनाव में ट्रांसपेरेंसी आई है, और ईवीएम को क्या कोई क्या डिस्टर्ब करे, ये बात ही समझ में नहीं आती। ये टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन किया गया, उसके बारे में जवाब इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया, और हम तो शुरू से ईवीएम के हिमायती। जब हारने से डरते तो ईवीएम ईवीएम करते हैं।